मंगेश बोल। सुन सखी, तेरे डैडी दुनिया के बेस्ट डैडी नहीं है। उन्होंने ऐसी घटिया हरकत की है जिसके बारे में अगर मैं तुझे बताऊंगा तो तेरी हालत ही खराब हो जाएगी। अगर तू वो बात जानना चाहती है कि वो क्या है तो फटाफट मुझे गार्डन में आके मिल। और सुन, तू ना ये बात अकेले सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए साथ में सपोर्ट के लिए गुनगुन को जरूर लेके आना। ओके बाय। मम्मा, मैं जाके आती हूँ। कहाँ जा रही है? मंगेश का कुछ काम है। मंगेश को सखी दीदी से क्या बात करनी है ये तो पता करना ही होगा। डिटेक्टिव अथर्व वागले। सपना, जाओ काम करो अपना। राजेश सर का फोन है। हेलो दासानी, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारा चंदू का और मार्फतिया जी का ओवर टाइम का काम खत्म हो गया हो तो तुम तीनों के पास जितने भी ये गुड मॉर्निंग मैसेजेस आए हों तो तुरंत मुझे फॉरवर्ड करो। हाँ, क्या गुड मॉर्निंग के मैसेजेस? लेकिन क्यों सर? एक्चुअली हुआ क्या है वो आई नो मैं कर दूंगा अभी। सर बड़ा मुश्किल है लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। लेकिन इसके बदले में कल सुबह आप वो पात्रा और खमणी नाश्ते में लेके आएंगे। हाँ भाई, हाँ लाता हूँ। तुम तुरंत मैसेजेस भेजो मुझे। राजेश सर आप फोन रखिए, यहाँ हम लोग संभाल लेंगे। भेज दी वो राजेश भाई, देखो आ गए। हर्षित भाई आ गए। और मेरे मैसेज भी आए होंगे शुद्ध हिंदी वाले। चिड़िया चहके आपकी सुबह महके सुप्रभात, जूते में होता है जुराब, सुबह महकते हैं गुलाब, आपका दिन शुभ हो। बस आ गए। अरे वाह, दासानी के भी आ गए। अरे राजू ने इतने सारे मैसेज भेजे, इतने सारे। देखो क्या लिखा है। एक बार एक आदमी अपनी शादी के बाद बाप रे बाप, अचानक से मैसेजेस की बाढ़ आ गई। कहां से आई? मैसेजेस भी हा? राजू ने ही भेजे हैं, लेकिन क्यों? हा? जिस दिन गुनगुन को ना देखूं वो दिन खाली खाली सा लगता है। अभी सखी को उसके डैडी की हरकत बताने के बहाने गुनगुन के भी दर्शन हो जाएंगे और मेरा दिन बन जाएगा। बन गया दिन। अब अच्छा लग रहा है। अभी और अच्छा लगेगा जब सखी को उसके डैडी की असलियत बताऊंगा। हे मंगेश, फोन पे क्या बकवास कर रहा था? बकवास नहीं कर रहा था, तेरे डैडी के चेहरे पे जो शराफत का मास्क है ना वो उतार रहा था। ये देख। मैं आती हूँ जरा। थैंक यू। ये मारा राम जी, वंदना भाभी, हम सबके फोन एक साथ बिगड़ गए, सबकी लाइट एक साथ चालू बंद हो रही है। हाँ देखिए। क्या? एक आदमी शादी के बाद। ये नहीं पढ़ना मुझे। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है, जोक है। ये घटिया चीप जोक है। और ये घटिया जोक पढ़ने के लिए बुलाया तूने मुझे? मंगेश तू इतना गिर जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। और तेरी हिम्मत कैसे हुई सखी को ऐसा जोक पढ़ाने की? तेरी कसम गुनगुन, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन सच को सामने लाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और ऐसा सिर्फ एक जोक नहीं है, ऐसे कई सारे जोक्स हैं जो राजेश अंकल ने आर बिग फैमिली ग्रुप पे भेजे हैं। क्या? हाँ, और मैंने तो तुम दोनों को सिर्फ अवेयर करने के लिए पढ़वाया ताकि तुम्हें पता चले कि राजेश अंकल ऐसी घटिया हरकत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा वो क्यों कर रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो राज है। हाँ, ये सोसाइटी के ग्रुप पे बार बार गुड मॉर्निंग के मैसेजेस क्यों भेज रहे हैं? शायद उनकी गुड मॉर्निंग अभी हुई होगी। मतलब ऑफिस जाकर सो गए होंगे, फिर उठे होंगे तो उनको लगा रही है तो गुड मॉर्निंग है तो मैसेज भेज दिया। ऐसी ऐसी है, जोक। नहीं नहीं नहीं, जोक नहीं, मुझे लगता है वायरस आया होगा राजू के फोन में। पता है मेरे फोन में भी एक बार वायरस आया था, और जब मैं किशोरी को फोन करती थी ना तो उसे मेरी आवाज नहीं सुनाई देती थी, वो तीसरी औरत की आवाज सुनाई देती थी। हाँ। नहीं नहीं माँ, आपके फोन में शायद वायरस आया होगा, लेकिन राज के फोन में आई डोंट थिंक वायरस आया। ये तो राज से ही पूछना पड़ेगा कि ये क्या बार बार गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेज रहे हैं। मैं कॉल करती हूँ उनको। हाँ। सुबह सुबह मोबाइल लेके बैठ गए, न हेलो न गुड मॉर्निंग। चलो आपने नहीं बोला, मैं ही बोल देता हूँ। गुड मॉर्निंग, ए वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। वाह राजू वाह, क्या बात है। तू भले ही आफ्टरनून में गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेज रहा है, लेकिन जो भी भेज रहा है कमाल का भेज रहा है, कमाल का बेटा, मजा आ गया। अरे वो दुका फोन है। नहीं नहीं नहीं, ओ राजेश भाई डर मत, वरना अभी ने पक्का यही पूछने के लिए फोन किया होगा कि ग्रुप में ये गुड मॉर्निंग मैसेज की बार क्यों लगा रखी है। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और फोन ही नहीं उठा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ट्राई करती हूँ। डैडी को पूछना पड़ेगा उन्होंने ऐसे चीप जोक्स क्यों भेजे। हाँ। एक मिनट, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी जोक पढ़ना है। अथर्व तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे हो। मंगेश भैया फोन दो। हाँ ले, एक बड़ा आदमी। खबरदार, तूने पढ़ा तो ये जोक बच्चों के पढ़ने लायक नहीं है। वाह, देख के खुशी हुई कि मेरी लगाई हुई आग सब जगह फैल रही है। बच्चों मतलब मैं बच्चा नहीं हूँ दीदी, मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे बच्चा क्या, ये जोक किसी शरीफ इंसान के पढ़ने लायक भी नहीं है। तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हो? शट अप, चुप बैठ। हाँ अथर्व, सखी बिल्कुल सही बोल रही है, ये किसी भी शरीफ इंसान के पढ़ने लायक जोक नहीं है। और सच बोलूं तो मैंने भी ये जोक्स खुश होके नहीं पढ़वाए थे। जो अंदर से बहुत दुख हुआ था जब मुझे पता चला कि राजेश अंकल ने ऐसे जोक्स फैमिली ग्रुप पे भेजे हैं, इसलिए मैंने सखी को पढ़वाए ताकि वो पता लगा सके कि उसके अच्छे डैडी ने सब घटिया काम क्यों किया। अच्छा तो मैं पता लगाता हूँ। नो, मैंने कहा ना हमें से कोई भी ये जोक्स नहीं पढ़ेगा। नहीं पढ़ेगा क्या? मैंने तो सारे जोक्स पढ़ लिए, मस्त जोक्स। मैं तो राजेश अंकल को बोलूंगा मुझे वैसे ही और जोक्स भेज दो। अच्छा ठीक है, डैडी को फोन करो, मुझे उनसे बात करनी है। कमाल है, राज फोन उठा नहीं रहे हैं और ग्रुप पे बार बार मैसेजेस भेज रहे हैं। ठीक नया आया कि काम ऐसा करो कि लोग कहे। तू रहने दे, मैं कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग। और एक आया। चाय आपके बेड पे है, सन आपके हेड पे है, न्यूज़पेपर आपके गेट पे है। अब तो उठिए और फोन कीजिए क्योंकि कोई तो आपके फोन के वेट में है। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया राजेश भाई को? ऐसे तो नहीं थे। कुछ नहीं हुआ होगा, वो कुछ कहना चाहता है तभी तो इतने मैसेजेस कर रहा है ना। बिल्कुल सही कहा राधिका तुमने, क्योंकि राजू बेमतलब कुछ भी नहीं करता। अरे आपका चश्मा मिल गया? कहाँ था? हाँ, तुम थी नहीं इसलिए गुलाब जामुन खाने के चक्कर में फ्रिज में पड़ा मिला। अरे मेरा चश्मा यहाँ। माँ हाँ, एक मिनट, ऐसा मत देखो। अभी याद आया मुझे, वो क्या हुआ, आपने मुझे चश्मा साफ करने के लिए दिया था ना, तो मैंने फ्रिज खोला कुछ रखने के लिए और वो भी रखा और चश्मा भी रखा। नहीं, डैडी से पहले मम्मा से बात करेंगे। मम्मा पक्का जानती होगी कि डैडी ने ऐसे हरकत क्यों की होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.